अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहे हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके एनिमल्स भी अपने घर में ठीक ठाक और सेफ होंगे। तो अभी हम जो है आज की वीडियो, पहले तो बताऊँ मैं कितनी वीडियो डिले क्यों हुई। मेरी वीडियो डिले इसलिए हुई थी कि ये जो आपको पता चली गया इनका नाम लैला रख दिया था, मैं उसकी वीडियो में आपको बताया था। तो अब जो है लैला की तबीयत काफी ठीक है काफी तक, जबकि उसके बाद ही काफी ज्यादा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा पूरा फोकस इस पे था। बाकी मुझे अपनी और भी चीजें होती हैं, इसमें मुझे मेरी स्टडी है और फिर और भी दस काम होते हैं घर के, तो मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है काफी अभी देर किस तरह घुल मिल गई सबके साथ, बिल्कुल वो हो गई है कि सेट हो गई है सबके साथ। और अभी मेरे पास भाई की कॉल आई, अभी टाइम हो रहा है 11:40, तो अभी मेरे पास भाई की कॉल आई थी। तो भाई ने कहा कि हमारे उनके पास जो है वो 2 किटर सॉल्ट लेकर आ रहे हैं डॉक्टर के। असल में वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी जो मदर है वो उनकी डेथ हो गई है, एक्सीडेंट हुई है अचानक से, तो उनके बच्चे थे। वो भाई ने कहा मैं अपने घर ले जाता हूँ, तो भाई उनको यहाँ लेकर आ रहे हैं। अब वो आते हैं तो आपको पता चलेगा कैसे हैं कहाँ हैं, उनको इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाएंगे। बाकी लैला काफी हद तक माशाल्लाह ठीक है, बाकी देख सकते हैं आप काफी। अब ये बीच में जो बीमार हुई थी वजह से थोड़ी उसकी हेल्थ गिरी है, लेकिन इनका पर लगा शुक्र है कवर अप कर लिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ छोटे बच्चों की किट उसकी जो होती है केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है बड़ी बिल्लियों में मुकाबले में। बाकी थोड़ा घूम ले, तो उनकी केयर जो है काफी ज्यादा करनी होती है। उनका बिल्कुल एक इंसान के जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उनका केयर करनी पड़ती है। उनको साफ करना, उनको टाइम पे दवाई देनी है, उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, कितने टाइम से कितने टाइम के बाद दवाई देनी है, A to Z सब कुछ रखना होता है। तो उनको ठंड ना लग जाए, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो ये सारी चीजें आपको नोट करते हुए रखनी चाहिए। जो अभी आ रहे हैं वो भी बहुत छोटे हैं, वो तो मेरे हस्बैंड हूँ भाई के मंथ का बोल देना 1 month के, तो वो 1 month के हैं अभी। उनका हमने अर्जेंटली बिल्कुल अभी अभी भाई ने कॉल करके बताया, तो बिल्कुल मतलब अर्जेंट सारा इंतजाम करा हमने उनके लिए कि किस तरह से, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी हमने किस तरह से उनका इंतजाम किया फिलहाल के लिए हमने इसलिए। बाकी अगर आप बोले तो मैं आपको अपने बाकी किटन्स का, किटन्स तो ये 2-3 ही है, बाकी तो बड़ी बड़ी बिल्लियां हैं माशाल्लाह से, तो उनका भी केस दिखाऊंगी अगर आप मुझे बोले। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ मैं किटन को कैसे रखती हूँ, क्योंकि जब वो शुरू शुरू में आता है तो डरेगा होता है, वो बहुत छोटे हैं, तो जो है वो किटन आएंगे तो आपको पता चलेगा भाई को लेके आते हैं। लेकिन ये आपके जो मेन केयर होती है आपको उसको देना होता है सबसे ज्यादा, जो उनको चाहिए होता है उस वक्त बच्चों को, वो होती है आपके अटेंशन। आपकी अगर अटेंशन उन्हें मिलेगी आप ज्यादा वो खुद ही ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, इंसानों की तरह उनकी भी फीलिंग्स होती है, हम बिल्कुल उसी तरह उसको समझते हैं। और जो आपको पता है लैला का हमें भी कहीं से मिली थी, तो जब हमने इसको पता करवाया कि कौन छोड़ के गया था कैसे, तो हमें ये पता चला कि उसकी जो मदर थी उसकी भी डेथ हो गई थी। और ये 3 किटन्स थे जो ठंड में ऐसे थे, 2 मर गए थे और इसकी हालत बहुत खराब थी, तो वो जिनके भी थे ये छोड़ के हमारे घर के बाहर चले गए थे। तो जब ये हमें मिली थी सुबह में, तो पता नहीं वो रात में छोड़ी गए कब छोड़ी गए, अगर वो बैल बजा देते तो शायद हमें पता चल जाता। तो वो 2 किटन्स मर गए थे और ये 1 थी और इसकी हालत काफी खराब थी, इस वजह से आपको मैंने बताया कि मेरी डिले हो गई वीडियो। लेकिन अब माशाल्लाह के ठीक है, खुश है, वो अपने खेल में सबके साथ सेट हो गई है और बाकी किटन्स के मान लो बाकी बिल्लियों के साथ भी अच्छे से घुल मिल गई है, सेट हो गई है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि मेन जो चीज़ें हैं ना हमने किस तरह से नहीं केयर करनी, उनको ठंड नहीं लगने देनी, गीला नहीं रखना, केज इनका साफ रखें और इनकी वैक्सीनेशन जो होती हैं वो करवाएं आप जरूर, इनको गंदगी से वो बचाएं। ये जैसे बच्चों को कुछ पता होता है इनको भी कुछ नहीं पता होता, आपको खुद ही इनकी केयर करनी पड़ती है। दूसरा डाइट का इनका ख्याल रखें, डाइट आपने किस तरह देनी क्या देनी है, ये बच्चों में और बड़ों में फर्क होता है, जो बड़े चीजें खा सकते हैं बच्चे नहीं खा सकते, तो इनकी डाइट का होता है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन वो इनकी डाइट की भी वीडियो आपको शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि इनको क्या क्या चीजें हैं किस तरह से। और दूसरी चीज ये इनका फीड का, फीड जो होती है कुछ लोग बहुत ज्यादा ही डाल देते हैं और कोई या तो बिल्कुल ही नहीं डालते, लेकिन ऐसा नहीं,
हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है, आप इसको लिमिट में दें। हम भी अपने कैट्स को लिमिट में देते हैं, ओवर लिमिट नहीं करते। और जो दूसरी बात यह है कि आप एक तो इनकी सफाई को मैंने आपको बताया, सफाई का ये मतलब नहीं कि आप उनको रोजाना नहला दें, सफाई मतलब उनको साफ रखना है। आप किसी गर्म कपड़े से, गीले कपड़े से साफ कर दें इस तरह से करके, तो जरूरी नहीं कि आप उनको नहलाएं, है ना पदमा? और कोई टिप्स आप भी शेयर करना चाहेंगी? तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, आपको इनको नोट करना होता है, इनको रखना होता है। और दूसरी बात, लोगों को बहुत सस्ती आती है कि ये अभी कौन करे, कौन करे, कौन करे, लेकिन करना पड़ेगा, वरना अगर वैसे जस्ट इमेजिन कि आप इनकी जगह हो तो आप क्या करेंगे, आप तो कुछ बोल भी नहीं सकते उस टाइम पर। और वैसे भी वो बेचारे बेईमान जानवर है, वो हमारी हमें तो समझ सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं समझ सकते। तो आप कोशिश करें उनकी से कम्युनिकेट करने की, आप उनको अच्छी तरह से उनका ख्याल रख सकें। और जो मतलब आप उनके अगर आप रख रहे हैं तो उनको प्यार भी दें, उनको केयर भी करें, या तो फिर हम नहीं रखें, सिंपल सी बात है। रख रहे हैं तो उनकी सारी नीड्स पूरी करें, नहीं तो आपको रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास जगह जगह से दुनिया घूम फिर के आती है, जैसे अभी वो दो के भाई आएंगे तो भाई पता चलेगा लेकर आएंगे, वो भी मेरे हाथ में पड़ते नहीं है। तो देखें हमें इस तरह से मिलती है, हम हमें जब भी मिलते हैं कभी उसको मना नहीं करते, हम रख लेते हैं। लेकिन प्लीज अगर आप बता किसी को दे रहे हैं तो उनके हाथों में देके जाएं, तो बताकर जाएं कि आप उनको दे रहे हैं। तो मैं कुछ टाइम पहले वो देख रही थी, कोई आंटी उन्होंने बताया, मैंने शेयर किया था कि उनके घर से किसी ने, उनके यहाँ भी ना काफी कैट्स थी, तो उनके किसी ने जो है उनके मोहल्ले वाले होंगे टेरिस से बच्चों को शॉपर में डाल के फेंक दिया नीचे। सीरियसली बात सोच सकती हुई हूँ, जिसमें से एक शायद नहीं किया, दो बच्चे ऐसे उसी वक्त डेथ हो गई थी उनके, और एक दो बच्चे थे उनके कन्फर्म नहीं है। मतलब यार आपको अगर दे रहे तो किसी को दे के चले जाए, बैल बजा के चले जाए, ये कोई तरीका नहीं कि आप उनके छत पर ऐसे फेंक दें। तो अगर उन बेचारे बच्चों को क्या कसूर था, उनका कसूर नहीं था। और दूसरी बात, वो इंसान के तो सारे वो होंगे ना, मतलब कैसे फेंका होगा तब, वो क्या बोला मतलब। मैं तो सुनकर अजीब सा मेरे दिमाग भी बिल्कुल वो हो गया कि यार कैसे कैसे लोग होते हैं। तो प्लीज अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उनको बता कर जाए, जैसे हमारे लैला को इधर किया था, उन्होंने भी नहीं बताया था। इस तरह आपकी भी हरकतें ना करें, क्योंकि ये अल्लाह की कोई वो मसलियत होगी जो बच गई, वरना चांसेस के बहुत कम थे। बेशक जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन इंसान को भी तो सोचना चाहिए। तो बस यही हम बोलेंगे कि किस तरह से आप उनकी केयर करें, ना कि उनको जरूर करें। और जो छोटी बॉल तो होती हैं, अगर आपको तो कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछें, तो इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगी। मैं बताऊँ और कुछ? और कुछ अभी के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तब तक के लिए लाफिज में ना, अगर आपको उनकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में जाए, लाफिज। अगर आपको चैनल क्या बोलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, और बाकी अपने एनिमल्स का ख्याल रखें। और तब तक के लिए लाफिज, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, ठीक है, और इनका ख्याल रखें प्लीज, इनके साथ इस तरह का जुल्म ना करें जिस तरह तक मैंने आपके साथ बताया आपको। बस ये है कि छोटी छोटी पॉइंट होते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि किटन्स की डाइट पे किस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह उस पर होगी, तब तक के लिए लाफिज़।